हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो सारे? तो आज मेरा चौथा दिन है और मेरी वीडियो रिमूव हुए 4 दिन हो चुके हैं। तो फाइनली मैंने सोचा चलो यार बात करते हैं तुम लोगों से इस चीज़ के बारे में। तो एक यूट्यूबर है पानी गेमिंग नेम की, तो वो मेरे स्ट्रीम भी आई, मैं उनके स्ट्रीम पे गया। सब कुछ सही था, सब कुछ सॉर्टेड था, सब कुछ एकदम परमिशन था। और मैंने तब वीडियो डाली, कंटेंट डाली उनकी, और फिर उन्होंने स्ट्राइक मार दी मेरे चैनल पे क्योंकि वो जल रही जली वो वाकई वाजिब से बात है। उन्हें जलन हुई कि मेरे व्यूज ज्यादा चले गए उनके उनके नॉर्मल वीडियो से, मेरे उनके नॉर्मल वीडियो के व्यूज से मेरे वीडियो 4 लाख चले गए, 4,26,000 व्यू चले गए उसमें, देख सकते हो। फिर उन्होंने एक वाहियात से रीजन देते हुए बोला कि उन्हें मेरी एडिट पसंद नहीं आई। तो ये एक्सक्यूज थी, ये बस एक एक्सक्यूज थी मेरी वीडियो हटाने के लिए। तो मैं नहीं माना, तो इन्होंने स्ट्राइक दे दिया। मैं सो रहा था और इन्होंने मुझे स्ट्राइक दे दिया, और कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो मैं बहुत ऑफेंड हूँ यार इस चीज़ से, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड कि देखो ये तुम लोगों का यूट्यूब का जो फंडा हो गया ना आजकल, ये लोग नाम यूज कर रहे हैं एक दूसरे का, खुद का वजूद नहीं है इनके, इनका बात कर रहा हूँ मैं, इनका खुद का वजूद नहीं है। साथ रिलेशनशिप का क्या कर रही हैं वो, उसके नाम पे कितने व्यूज लिए, कितने सब्सक्राइबर लिए हैं, इनफैक्ट जितने, ओ सॉरी बाइनेमो, बाइनेमो सॉरी सॉरी गाइस, बीप हुआ होगा अभी, बाइनेमो, बाइनेमो के नाम पे कितने व्यूज लिए इन्होंने वो तो पता नहीं है। अलग सिम पे चल रही होती है इनकी, है यही सीन है। बहुत बुरा लगा मुझे कि इन्होंने मेरी वीडियो ऐसे करके हटवाई, मुझे हंसी भी आ रही थी कि यार ये अपने आप को बड़ा क्रिएटर बोल भी नहीं सकती, अगर अगर इनका यही चलेगा तो ये बड़ा बड़े क्रिएटर में नहीं आएंगी ये, बिकॉज बड़े क्रिएटर होने के लिए भाई तुम्हारे पास दिल बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यही सब फालतू फालतू बातें हैं। उसके बाद उन्होंने एंड ऑफ कन्वर्सेशन, नो ब्रो, यही सब स्लैंग यूज करती रही वो, नाम यूज की बाइनमो का कि मैं उससे बात करूंगी और पूछूंगी क्या जरूरी है करना एंड ऑल दिस स्टफ। फिर उसके बाद की बात सुनो, जब मैंने बोला कि यार कॉपीराइट स्ट्राइक प्लीज हटा दो, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं हटा दूंगी, रात तक हटा दूंगी। फिर सुबह को मैंने वापस उनको मैसेज करा कि यार अभी तक स्ट्राइक हटी नहीं है, क्या सीन है। तो फिर बोलती है कि एक वीडियो उन्होंने भेजा, ये वीडियो देख लो पहले तुम लोग। ये बात सही है भाई, एक दो रॉकेट मेरे लिए प्रोजेक्ट वीडियो डाउन कर दी उनकी करवाए। आप लॉर्ड द लॉर्ड को नहीं जानते हो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पहले प्रोटेक्शन खरीद लेता हूँ फिर कुछ करूंगा, टेंशन नहीं लो। हाँ तो ये जो वीडियो थी, इन्होंने बोला कि ये तुम ऐसे अकाउंट पे रिप्लाई कर रहे हो हैं, तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, स्ट्राइक नहीं हटेगी। तो मैं बताता हूँ इस कमेंट का सीन बताता हूँ तुम लोगों में, ठीक है। मैंने जो रिप्लाई करा वो दूसरा कमेंट था, तुम लोग देख सकते हो मैं दिखा रहा हूँ, ये दूसरा कमेंट था। और बात रही कमेंट्स की ना गाइज, देखो सीन कुछ ऐसा था कि अगर तुम मेरे स्ट्रीम पे स्ट्रीम को देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि यार मैं स्ट्रीम करते ही स्ट्रीम को जो है ना हटा देता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ। तो उस सीन पे एक ही टाइम होता है, एक ही चीज आपके पास बनता है रिकॉर्ड करने का उस वीडियो को, कि या तो आपने खुद वो कमेंट करके रिकॉर्ड कराओ। और इत्तेफाक तो आजकल चलती नहीं थी क्योंकि मैं उस टाइम स्ट्रीम बंद करने वाला था, ठीक है, कोई इत्तेफाक नहीं बनता है। आया कोई कमेंट करा, उसने उसने ले ली, रिकॉर्ड कर ली वो सीन है, और फिर वो मुझे भेज रही है। तो ये सब चीज़ एकदम प्री प्लान्ड की गई, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है। पर तुम लोग बताओ यार इस चीज़ पे मैं सही हूँ या वो सही है। बिकॉज देखो उन्होंने कंटेंट क्लेम किया कि वो लोगों का स्ट्रीम मैंने यूज़ किया, लेकिन स्ट्रीम मैंने अपना यूज़ करा था। अगर मेरा स्ट्रीम हटाया गया तो यार मुझे भी अपना क्लिप नहीं चाहिए उनके लोगों पे, मेरा भी क्लिप हटना चाहिए, मैं चाहूंगा कि वो मेरा भी क्लिप हटाए। मैं भी लीगल एक्शन ले सकता हूँ इस यूट्यूब के जो स्ट्राइक है इस पर, ले सकता हूँ मैं लीगल एक्शन, बट मुझे फालतू के अभी फालतू के झमेले नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग आएंगे फिर फालतू फालतू के एलिगेशन लगाएंगे। बड़े लोग हैं ना गाइज, बड़े लोगों के फालतू फालतू के एलिगेशन लगाएंगे, छोटे कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करेंगे नहीं, यही सीन है। बस यार मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ यार, हो गया इतना ही मैं बोलना चाहूंगा तुम लोग, क्योंकि जब ज़्यादा कुछ बोलूंगा तो फिर मेरे मुँह से कुछ भी निकले फालतू निकले तो उसको गलत चीज़ में लेंगे लोग, जो कि मैं सारी चीज़ें मैंने वाजिब बोली है, एकदम सही चीज़ें मैंने बोली है तुम लोगों को। बाकी यार थैंक यू यार, शुक्रिया देखने के लिए आज का वीडियो, इस ये वाला वीडियो मिलता हूँ आप लोग को मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में या फिर वीडियो में। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, एंड आप लोग बताना यार मैं सही हूँ या वो सही हूँ।
Thank you. Do it all night, scars on my neck, and I don't mind. It's all about the patience, but I'm cruising in my own lane.